राजधानी भोपाल में पेयजल आपूर्ति को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर व निगम कमिश्नर से जलापूर्ति की जानकारी ली है। भोपाल में जहां भी पानी की समस्या हुई है, वहां अब पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। सभी जगह जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। चार इमली इलाके में भी आज शाम तक जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जहाँ भी दिक्कत हुई है वहाँ पर अब स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, और आज हमने सब जगह की जानकारी ली है। थोड़ा सा चार इमली क्षेत्र छोड़कर बाकी सब जगह यहाँ पे वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी शाम तक ठीक हो जाएगा। बाकी सब जगह वाटर सप्लाई प्रॉपर अब हो गई है, चूँकि लाइन नई डली है और इसलिए शुरू में एक दो दिन थोड़ा बहुत मटमैला पानी आ सकता है, और इसलिए उसके बावजूद भी हम लोगों ने लाखों लीटर गैलन पानी बहाया उस लाइन में से, जिसमें से कि वो लाइन पूरी साफ हो जाए। फिर भी चूंकि पूरी नई पाइप लाइन है, थोड़ा बहुत एक दो दिन ये प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु पानी की कमी अब कहीं पर भी नहीं रहेगी। और जो भी और व्यवस्थाएं करना थी, कोई प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित या कोई अन्य व्यवस्था, कोई कर्मचारियों से संबंधित कोई विषय थे, उस पर भी हमने बातचीत की है, और अब हम कह सकते हैं कि भोपाल में अब आज के बाद पानी की समस्या, पेयजल की समस्या नहीं रहेगी।